सिको, डू यू वांट टू टॉक अबाउट फखर, क्योंकि आगे मैंने बॉलिंग की बात करी ना, मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम उनके वो क्लिप्स निकाल लें जो कि पिछले मैच में उन्होंने वो खेली है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि देखें जो क्रिकेट का जो कोचिंग मैनुअल होता है उसके मुताबिक अगर आप चार गेंदें रखें तो आपका पैर गेंद के पास जाना चाहिए, अगर गेंद इधर गिरी है तो आपका पैर भी उधर जाएगा, तो वो उनका पैर आउट सिर्फ इधर आता है और खेलते वो दूर है। ये इंडियंस ने भी देख लिया होगा और आप कल देखिएगा कि उनके ऊपर आउटसाइड ऑफ स्टंप अटैक होगा ताकि वो यहाँ पर खेलें, वो इस तरह खेल रहे हैं, तो वो चीज़ उनको अपने आप को कंट्रोल करनी पड़ेगी, वरना जिस तरह की हल्की हल्की मूवमेंट्स यहाँ हो रही हैं, गेंद सीम हो रहा है, वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा ऐसे प्लेयर के लिए जो अवे फ्रॉम द बॉडी खेलता है। तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, मगर वो ऐसा प्लेयर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो पावर हिटर भी है, अगर वो पूरे ओवर खेलता है लंबे तो आखिरी में वो कवर कर लेगा जितना भी वो स्लो खेलेगा शुरू में, इसलिए ही इज़ अ गुड पावर हिटर, अच्छी तगड़े छक्के मारता है, मगर उसको रुकना है। ठीक है, और आपको ये बता दूं, सॉरी जस्ट अ करेक्शन, शाकिब अल हसन ने कैच किया था, बट इट वाज तस्कीन, यस इट वाज तस्कीन, सो आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, एंड यू नो ही डिड पुट अप अ वेरी गुड एफर्ट, तस्कीन की अभी फिलहाल बॉलिंग देख लीजिए। बट कमिंग बैक, अभी हमारी मिडिल ओवर्स पर बॉलिंग की बात करनी है और हम लोग आपसे भी बात करेंगे इस बारे में, दैट्स समथिंग जो एक एरिया ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। हमारे एरिया ऑफ कंसर्न जो है ना फातिमा बहुत सारे हैं, ठीक है, और उनमें एक टॉप मसला जो है, आप पहले 10 ओवर में कितने रन करते हैं, आपकी अगर पहले बैटिंग आ जाती है तो अगर आप देखें आपने बांग्लादेश का मैच 40 ओवर में फिनिश किया, सिकंदर बख्श साहब से अभी ब्रेक में मैं यही बात कर रहा था कि ये सुपर फोर मरहले का टूर्नामेंट में अब आप आएंगे, रन रेट इधर इंपॉर्टेंट होगा, तो आई थिंक मेरे ख्याल शकीब अल हसन ने आपको 40 ओवर तक वो लेकर गए, आपने 7 विकेटों से मैच जीता, आपको थोड़ा जल्दी फिनिश करना चाहिए था। दूसरा जो आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि आपको मिडिल ओवर में जो है वो विकेट नहीं मिल रही हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आपके फास्ट बॉलर ऊपर से आउट नहीं करते हैं, पार्टनरशिप लग जाती है, तो आपके स्पिनर क्या रोल प्ले करेंगे। इस वक्त जो आपके पास प्लेइंग 11 में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, उनमें सलमान अली आगा हैं, उनमें इफ्तिखार हैं, तो ऐसी सूरत में अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन को बढ़ाना है, और आपके पास जो तीन स्पिनर हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप वर्ल्ड कप में नवाज़ और उसामा मीर के साथ जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक के नाम के आगे जो है वो कट लगेगा। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मुझसे पूछें, जो मेरी राय है वो ये कि आपको रिजर्व विकेट कीपर टीम के साथ नहीं रखना चाहिए मोहम्मद हारिस की शक्ल में, आपको इससे बेहतर है कि आप अब्दुल्ला शफीक को टीम के साथ कैरी करें, कि अगर यही मोमेंटम रहता है, इसी तरह फखर जमान परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपके पास एक कुशन होगा। आप मोहम्मद हारिस को लेकर जा रहे हैं, ये T20 क्रिकेट नहीं है, और दूसरी बात यह कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, विकेट कीपिंग इमामुल हक भी कर सकते हैं, और रिजवान जो नेदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, नामीबिया के खिलाफ खेल रहे हैं, स्कॉटलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में वो बाहर बैठेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल है 15 रुकनी स्क्वाड में आपको रिजर्व विकेट कीपर की जगह जो है वो या तो स्पिनर रखना चाहिए या फास्ट बॉलर। सो विकेट्स आर फॉलिंग रेगुलरली, तो देखना पड़ेगा कि मैच अब हो सकता है इंटरेस्टिंग हो जाए, यू नो विल कीप आवर आईज ऑन दैट, बट आप कुछ प्लेइंग 11 में कल कुछ चेंज देखना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? सीमर, ओके, चार खेलने चाहिए, मतलब फहीम को खिला देना चाहिए, मतलब या तो अगर आपके पास बस इतनी अपने बैटिंग पे आपको कॉन्फिडेंस है तो फिर आप नसीम ना। सर आप इतनी कंफ्यूजन का शिकार हैं तो टीम मैनेजमेंट, अभी आप कह रहे थे कि क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन होगी और पानी ऊपर आ रहा है तो स्पिनर यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं बोला, स्पिनर का जिक्र भी नहीं किया, यहाँ पे जिस तरह की गेंद सीम हो रही है उस हिसाब से एक सीमर को होना चाहिए। देखिए श्रीलंका की कंडीशन में लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है, मुझे लग रहा है कि नवाज पे चांस लेगा बाद Really? इसको बिठाएगा फहीम अशरफ। फहीम अशरफ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अनचेंज टीम होगी, क्योंकि आप और क्योंकि आपने मैच जीता हुआ है और जब मैच जीतते हैं तो फिर चेंज करना जरा मुश्किल हो जाता है, अगर हारा होता तो शायद वो चेंज कर लेते, पर वो मुझे लगता है कि वो ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि आपने ओवर रेट जो था ना वो भी बड़ा अच्छा कवर किया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इन पिचों पे सीमर अगर जो सीम पे बॉल करता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा रादर देन नवाज की। अगर इंटरेस्टिंग होगा कि भारत क्या चेंजेस करता है, आई मीन दे वांट टू डू एनी चेंजेस ऑन आर भट्टी साहब, आपको क्या लगता है मूड उनका? देखिए भारत भी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा वो चेंज पे वो लोग भी बिलीव नहीं करते, सिवाय अगर कोई फोर्स चेंज हो जाए अदरवाइज गिल, अगर गिल का अगर कुछ हो तो हो। जी हाँ, वो जो पाकिस्तान का टेस्ट होगा, बुमराह का जो फर्स्ट स्पेल होगा ना जी, वो भी इंजरी से वापस आए, हम शाहिन शाह आफरीदी का
बहुत ज़्यादा जिक्र जाहिर है उन्होंने पिछले मैच में जो बॉलिंग की, तो बुमराह का जो फर्स्ट स्पेल होगा वो देखने वाला होगा कि पाकिस्तान के ओपनर्स या टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है करते हैं उस चीज को। यू नो आज मैं शुरू में जब स्विंग देख रही थी तो मैच शुरू हुआ तो मैं बोला शाहीन तो अपने बैठे हुए हाथ मल रहे होंगे, बट यू नो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच। और हमारे जो सब एनालिस्ट हमारी टीम है दे ऑल बी विद अस। अभी हम लोग फिलहाल हमारे पास इतना वक्त है, कल पूरा दिन हम आपके साथ हैं जियो न्यूज़ पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आज टाकरा भी होगा थोड़ी देर में, हेडलाइंस के बाद आप लोग टाकरा भी देखिएगा, डोंट मिस दैट। हमारे एनालिस्ट की थोड़ी नुक चोक, थोड़ा हॉट एंड स्पाइसी, ऑल दैट फन दैट्स हैपनिंग इन दैट, तो वो आप जरूर देखिएगा। बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।